जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन से क्यों लड़के ट्रेनिंग टाइम से भी बाहर चले जाते हैं दोस्तों, उनको घर भेज दिया जाता है। मेरा ट्रेनिंग हुआ था, मेरे ट्रेनिंग टाइम भी दो लड़कों को ऐसा ही हुआ था, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनको पुलिस वेरिफिकेशन के कारण घर भेज दिया था दोस्तों। तो वो क्यों भेज देते हैं उसके बारे में आज सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। साथ ही कई दोस्त है वो बार बार मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर अभी जो पेंशन सुविधा वो कैसी है, या सैलरी के बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने सैलरी के बारे में, पेंशन के बारे में और SSC GD में ट्रेनिंग से लेकर लास्ट, मतलब ज्वाइनिंग से लेकर लास्ट ट्रेनिंग तक क्या क्या होगा, कैसे कैसे और कब कब होगा, इसके बारे में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो आप एक बार जाइए, उन वीडियो को देखिए, आपके इससे संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कई लड़कों ने मतलब ये मेरे को मैसेज किया, पर्सनल मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम ID उस पर कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे हमारी अनबन हो रखी है, क्या वो मेरे पे FIR कर देंगे या मेरे पे मतलब केस कर देंगे, तो उससे क्या मेरा प्रॉब्लम हो जाएगी, या मैं ट्रेनिंग करने चला जाऊँगा, या मेरे घर वालों के पीछे से कोई पड़ोसियों से अनबन। आज का जो समाज है इसमें ये आप मान के चलिए कि अगर कोई इंसान सुखी हो रहा है तो उसको मतलब उससे ज़्यादा दुखी है लोग कि भाई ये सुखी कैसे, मतलब ये खुश कैसे। तो कईयों को ये प्रॉब्लम होती है कि किसी का अगर लगा है तो उसके जो आस पड़ोस वाले हैं वही उसके मतलब इसके पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे इसका मतलब हम इस पर पुलिस केस कर दें, या कैसे इसको पुलिस वेरिफिकेशन में फंसा दें। जो हमारे साथ, जो हमारे जो ट्रेनिंग में दो लड़कों के साथ हुआ था, उनका भी यही पंगा था, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो क्या हुआ था मैं आपको वीडियो को बता दूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन आपको जो अभी सावधानी रखनी है या पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक हो सकता है और क्या क्या आपको सावधान रखनी है, तो पहले तो बात ये बता दूं दोस्तों कि अगर आपके मतलब अगर पड़ोसी या आपके जो रिश्तेदार है आपसे जलन फील करते हैं, तो अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि हम आपको ऐसा फंसा देंगे या आपके पुलिस वेरिफिकेशन में के टाइम क्या होगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनसे कुछ नहीं होगा दोस्तों। उनसे बेकअप फिगर रही, अगर आपका काम ठीक है, अगर आपके जो चीज़ चेक होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स जो जो चेक होने वाले हैं या पुलिस वेरिफिकेशन में जो जो चीज़ आवश्यक है, अगर वो सही है तो दोस्तों आप मान के चलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होगी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता दोस्तों, कईयों को ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग के टाइम ही पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ज्वाइनिंग के टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, ज्वाइनिंग के टाइम पे भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है। और कईयों को ऐसा लगता है कि मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कईयों ने ये भी पूछा कि हमारा जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा हमारा टाइम पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, तो इसके बारे में एक वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी हम पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ज्वाइनिंग के टाइम आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका ज्वाइनिंग के कम से कम 6 महीने बाद। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आपका जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट पर आप ज्वाइन करोगे, वो डिपार्टमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये नागरिक जहाँ का मूल निवास दिया है, जो मूल निवास होता है कि जहाँ का ये नागरिक है, क्या ये वहाँ पर मतलब ये सच्चा वहाँ का नागरिक है, या मतलब फर्जीवाड़े से, जैसे कई बार होता है, जैसे जो UP वाला है वो हरियाणा का बना लेता है, हरियाणा वाला BR का डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं केवल एक लगने के लिए, तो वो वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं कि क्या ये सच्ची मतलब ये जहाँ का नागरिक है वहाँ का है। दूसरा, जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको सभी को पता होगा कि आपको चरित्र सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, एक तो जो तहसीलदार होता है उससे, एक पुलिस डिपार्टमेंट से। जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो बनेगा आपके डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर बनेगा कि आप पर कोई भी मतलब इस प्रकार का मुकदमा नहीं है, या किसी मुकदमे में आपको सज़ा नहीं है। मुकदमा हो सकता है लेकिन किसी मुकदमे में आपको अगर सज़ा नहीं है तो तब वो बनता है दोस्तों। तो वो साथ में वो चेक करते हैं कि जो इसने यहाँ पर चरित्र सर्टिफिकेट लगाया है आपसे अप्रूव करा के, यानी जिस थाने से, जहाँ से, जिस डिस्ट्रिक्ट से इसने अप्रूव करा के जो चरित्र सर्टिफिकेट लगाया, क्या सच में वो सही है या इसने ऐसे ही गलत मतलब डुप्लीकेट सील बना के मार के लेके आया है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में ये चीज़ भी चेक होती है। जो तीसरी चीज़ होती है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में ये कैसे चेक होता है कि मतलब ये वहाँ का नागरिक है कि नहीं, तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को वो फ़ोन करेंगे कि भाई आप यहाँ हो कि नहीं हो। तो दोस्तों, ये 2-3 तरीके से चेक होती है, सब जगह अलग अलग तरीके से, पुलिस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे चेक करें। कुछ पुलिस जो थाने या पुलिस क्वार्टर होते हैं उनमें इस तरह से चेक होते हैं, जैसे आपके आस पड़ोस में, यानी आपका कोई गांव है तो उस गांव के जो मुखिया है उस मुखिया से वो कॉन्टेक्ट करेंगे और उससे पूछेंगे
कि क्या ये सच में यहाँ का रहने वाला है, कितने साल से यहाँ रहता है, क्या इसका राशन कार्ड यहीं का है। फिर उसके आपके घर के बारे में पुलिस वाले आसपास के जो आपके मतलब गांव में जो रहने वाले हैं उनसे तहकीकात करेंगे। अगर उनसे उनको डाउट पाया जाता है तो फिर वो खुद आते हैं पर्सनली घर पर और चेक करते हैं कि क्या यहाँ कब से रह रहा है, उसका पूरा जो बायोडाटा होता है वो निकालते हैं। साथ में जो आप तहसीलदार से जो चरित्र सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के जो भेजते हो डिपार्टमेंट में उसका भी चेक करते हो कि क्या ये सच में तहसीलदार से बनवाया। तहसीलदार से जो चरित्र सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों, पहले तो बता दूँ आपको बनता कैसे, क्योंकि इसमें मेरे छोटे भाई बहुत गलतियाँ कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि वो बनता कैसे। आप जब तहसीलदार के पास जाओगे तो वो चरित्र सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऐसा इंसान की मतलब आपको डिमांड करेगा कि भाई एक ऐसा व्यक्ति लाओ जिसको मतलब जो तहसीलदार है वो भी जानता हो अच्छे से और आप भी जानते हो, तो वो कौन होगा। अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा कॉमन इंसान लेके आए जिसको तहसीलदार भी जानता है और हम भी जानते, तो दोस्तों आपके गांव का सरपंच हो गया या आपके गांव का जो मुखिया है क्योंकि वो तहसीलदार से कनेक्ट में रहते हैं, या अगर आपके नगर पालिका तो नगर पालिका का जो मेयर है वो आपको जानता है क्योंकि आपके नगर पालिका क्षेत्र का वो मेयर है, मतलब जो बना हुआ जीता हुआ पार्षद और जो भी मतलब राजनीतिक किसी पद पर है, क्योंकि पद वाले को तहसीलदार भी जानता है, तो आप उसको साथ में लेके जाना और चरित्र सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो पुलिस वेरिफिकेशन में वो भी चेक होता है कि जो आपने वो बनवाया है क्या वो सच में सही बनवाया है या उसमें आपने कुछ मतलब मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से मतलब आपका वो मतलब आपने डुप्लीकेट तहसीलदार की सील लगा ली, साइन कर ली और वहाँ पर आप लगा दिए क्योंकि आपको मान लो कोई FIR हो रखी है, आपके कोई पुलिस केस दर्ज हो रखा है या उस समय आपका कोई झगड़ा हो रखा है, तो ये चीज़ें चेक होती है। इसके अलावा जो कहीं कहीं किसी ने कि सर 10th की जो मार्कशीट है उससे चेक होती है या डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक नहीं होते, मेन चीज़ें यही चेक होती है, डॉक्यूमेंट्स आपका डिपार्टमेंट अपने आप चेक करेगा। तो वो जो मेरे जो ट्रेनिंग के साथ में जो लड़के थे उनका जो बाहर निकलने का जो रीज़न था उसका रीज़न ये था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो 10th क्लास की मार्कशीट थी वो फर्जी मार्कशीट बना रखी थी, उसमें केवल अपनी फ़ोटो लगा रखी थी जबकि ओरिजिनल में वो मार्कशीट उनकी थी नहीं। जैसे किसी मुकेश नाम के लड़के की मार्कशीट थी उस पर जैसे खुद की फ़ोटो लगा ली, चेंज सब टाइपिंग से सब कुछ चेंज हो जाता है और उस मार्कशीट से पूरे के पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट से वहाँ हो गए थे। जब चेक हुआ तो वो पता चल गया कि ये नहीं है, तो हाँ उसमें सज़ा का प्रावधान भी है दोस्तों। तो आप अगर ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो या ऐसा कुछ किया है तो ऐसी गलती मत करना दोस्तों, फर्जी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मत लगाना। चरित्र सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं मैंने बता दिया, पुलिस का जो चरित्र सर्टिफिकेट होगा वो आप वहाँ पर जाना, वहाँ से आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो लाइन पुलिस लाइन है वहाँ तक वो चला जाएगा, वहाँ से आपका पूरा ब्यूरो चेक कर दिया जाएगा कि भाई इसके कोई पुलिस केस है या नहीं या किसी केस में ये दोषी पाया गया है। पुलिस केस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में लोग जलने वाले बहुत हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपसे मतलब जलते हैं कि भाई ये कैसे लग गया, तो पुलिस केस तो कोई भी कर देगा, लेकिन उस पुलिस केस में क्या आप सज़ा पाए हुए हो तो मेन ज़रूरी है ये। तो अगर आप सज़ा नहीं मिली हो तो पुलिस केस में पुलिस सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा और अच्छे से बन जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन में ये चीज़ें चेक होती। अब आपको क्या ध्यान रखना है साथ में बता दूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों, जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कब होगी, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग में रहोगे तो वहाँ पर कम से कम 800,000 बंदे रहोगे, तो सबके घर पे किसी घर पे जब पुलिस जाएगी या किसी के घर पे पुलिस की एक्टिविटी या मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे घर की पुलिस आज वेरीफाई हो गया या ये हो गया वो हो गया, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो उस समय क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो बता दूँ दोस्तों, कि एक तो जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र बनाया आपने वो ओरिजिनली होना चाहिए, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा, वो पुलिस खुद चेक करेगी, ऐसे तो कोई झूठ बोल देगा उससे उसको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपने चरित्र प्रमाण बताए वो ओरिजिनल होने चाहिए। एक मूल निवास दोस्तों, जो एड्रेस आपने लिखा उसी एड्रेस पे आपका आवास होना चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये नहीं कि आप किसी और जगह का एड्रेस लिख रहे हो और वहाँ पर आप हो ही नहीं, आपको फैमिली हाँ ये हो सकता है कि वहाँ आपका मतलब निजी घर हो, अब आप वहाँ नहीं रहते, आप किसी काम से आपकी पूरी फैमिली अगर मान लो दिल्ली जयपुर मुंबई कहीं काम से शिफ्ट हो रखी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपका मूल निवास आपके गांव का है और आप वहाँ रहते हो, लेकिन वहाँ आपका निजी मतलब संपत्ति होनी चाहिए और वो आपका घर होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ के ये नागरिक है और यहीं से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो कि आपका वहाँ है ही नहीं, सब कुछ बेच बाच के आप चले गए हो और फिर आपने वहाँ का मूल निवास लिखा दिया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस मामले में दोस्तों। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका करंट एड्रेस अलग है और जो मेन एड्रेस है वो अलग है, तो दोस्तों जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो मेन एड्रेस पर होगी,
उसके बाद में करंट एड्रेस पे हो सकती है, लेकिन मेन होगी वो होगी आपकी मेन एड्रेस पे, जो आपके मूल निवास जहाँ का आपने बना रखा है उसका साथ आपका जो पुराना एड्रेस है उस पर पुलिस वेरिफिकेशन होगी। हाँ, अगर वहाँ पर करते हैं और उनको कोई डाउट पाया जाता है या ऐसे भी आपके जो करंट एड्रेस है उस पर भी फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दोस्तों, इस केस में दोनों जगह पुलिस वेरिफिकेशन होगी, जहाँ आप रहते हो और जहाँ आप रहते थे। दोस्तों, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। साथ में जो आपका मूल निवास हो गया, चरित्र सर्टिफिकेट हो गया, मेन इन्हीं का चेक होगा, और जो मार्कशीट आप जो वहाँ मार्कशीट लगाते हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए। कई बार फादर के नाम में भी बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं कि मेरे फादर का नाम ये अलग वो अलग, तो उसमें भी पुलिस वाले डाउट क्रिएट कर देते हैं और फिर वो क्लियर करके नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर वो क्लियर करके नहीं दे तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट्स लगाओ उसमें फादर का नाम बिल्कुल क्लियर लिख के लिखना। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में अभी भी गलत है नाम तो चेंज करवा लेना, जैसे आधार कार्ड में चेंज हो सकता है, 10th की मार्कशीट में इनमें चेंज होना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, इनमें चेंज हो सकते हैं ना, तो वो क्लियर कर लेना दोस्तों, क्योंकि कई बार नाम की वजह से भी आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। जैसे किसी का नाम है मुकेश कुमार साहू और किसी का नाम मुकेश कुमार मोदी मान लो, तो अब आपका वो सरनेम नहीं है या किसी का दो का मुकेश कुमार अलग अलग हो रखा है, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन कर कहीं किसी और जगह की हो गई तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। हाँ, उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वापस पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हो, एप्लीकेशन देके कि भाई ये गलत हुई है, ये मेरी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है, ये किसी गलत वर्ड से हुई है, लेकिन वो आपके लिए परेशानियाँ बढ़ा देगा। इससे अच्छा आपके लिए यही है, बेहतर यही है कि आपके अगर डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी नाम की मिस्टेक है, मदर फादर सिस्टर, तो वो नाम अब सही रूप से चेंज कर लो, क्योंकि उस समय वो डिटेल भी जाएगी कि इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है, इसकी सिस्टर कौन है, वो सारी डिटेल पुलिस के वेरिफिकेशन में जाती है और वो चेक करते हैं कि क्या ये सही में वही है बंदा जो ज्वाइन किया है फोर्स को। नहीं तो कई बार लोग ऐसा करते हैं दोस्तों कि ज्वाइन कोई और कर लेता है, मार्कशीट किसी और की होती है, उसकी वजह से फिर उनको बाद में ट्रेनिंग से भी निकाल दिया जाता है और शायद 100% उनको पनिशमेंट भी होता है कोर्ट से, क्योंकि ऐसे कोर्ट उनको नहीं छोड़ता दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपको मेन चीज़ जो मैंने बता दी इनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और जो डॉक्यूमेंट्स है और कोई आपकी गलतियाँ हैं तो उनको सुधार लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करके पर्सनल अगर कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।